जूता पहन के आओ शाबाश। देखें फ्रेंड्स कि ये उठ गया हुआ है और इसको मैं बोल रही हूँ कि जूता पहनो और जूता नहीं पहन रहा, और मैं इसको बोल रही हूँ मैं तुम्हारी मामा नहीं, तो कहता है सॉरी। तो मैंने आगे से बोला मैंने कोई सॉरी एक्सेप्टेड नहीं करनी जब तक आप जूता नहीं पहनोगे। और हम चलो जूता पहनो शाबाश, नहीं पहनना नहीं पहनना, ये देखिए कह रहा है नहीं पहनना कट्टी, मैं आपकी मामा ही। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका है, यहाँ पर देखें साग और साथ में शलजम का सालन है और साथ में पराठे बने हुए हैं, और मैंने भी सोचा कि मैं भी आज थोड़ा सा पराठा खा ही लूँ। तो फ्रेंड्स खाना पीना तो हो चुका है और अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी स्किन को भी अच्छे से नीट कर लूँ। तो मैं यहाँ पर सॉफ्ट टच का जो स्किन पॉलिशन है ये यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे ये बहुत अच्छा सूट करता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं लेकिन मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, मेरी स्किन पे ये ज़्यादा अच्छा सूट करता है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ साथ साथ कि किस तरीके से मैं इसको बनाकर यूज़ करती हूँ, और आप लोगों को भी अगर आप लोग भी अगर चाहते हैं इसको यूज़ करना तो आप भी कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसके अंदर ये 20 वॉल्यूम डालूँगी सॉफ्ट टच का। मैं जो फेस और नेक पे अप्लाई करना है और अपने फीट्स के ऊपर, तो मैं उसके मुताबिक ही बनाऊंगी, जस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और हाथों पे मैं इसलिए नहीं अप्लाई करती क्योंकि मेरे हाथों पे बहुत पिचिंग होती है, तो मैं इसलिए वहाँ पे यूज़ नहीं करती। और ये सॉफ्ट टच का ये वाइटनिंग बूस्टर अब मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी। आप लोग अगर यूज़ करें इसको तो आप अपनी ही क्वांटिटी के मुताबिक, मीन्स कि आपने जहाँ जहाँ पे अप्लाई करना है आप उसके मुताबिक ही क्वांटिटी डालकर इसको बना सकते हैं। इसके अंदर में थोड़ा सा जो है ना ये डाला है सूथिंग लोशन, इससे ये है कि आपके फेस पे इचिंग नहीं होगी और आपको ठंडक भी मिलेगी। ये देखिए टी ट्री ऑयल के साथ है, ये बहुत ही अच्छा, मुझे ये तो बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी स्किन शाइनर। ये स्किन शाइनर जो है ना इनके पास और भी काफ़ी अवेलेबल हैं फ्लेवर्स में, तो मैं वैसे इसमें लेमन फ्लेवर का ही यूज़ करती हूँ स्किन शाइनर। और दूसरी बात इसमें सूथिंग लोशन जो है ना, सूथिंग लोशन में भी इनके पास काफ़ी अलग से फ्लेवर हैं, जैसे कि ये मेरे पास तो टी ट्री ऑयल का, टी ट्री ऑयल के साथ है, और इसके अलावा भी इनके पास काफ़ी अवेलेबल है। मतलब कि ये जो ब्रांड है ना इस ब्रांड में और भी काफ़ी हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा वाइटनिंग पाउडर, क्योंकि इतनी सी क्वांटिटी में मैंने इसमें वाइटनिंग पाउडर भी डाल दिया। और अब इसके अंदर ब्लीच पाउडर डालेंगे, जितनी आपने अपने फेस के बालों को गोल्डन करना आप उसके मुताबिक ही ब्लीच पाउडर को यूज़ करें, बहुत ज़्यादा भी यूज़ मत करें क्योंकि समटाइम कुछ लोगों की स्किन जो है ना जल जाती है, ख़राब हो जाती है ना, किसी को सूट नहीं करता। तो मैं अपनी स्किन के मुताबिक डालूँगी इसके अंदर। और लास्ट पे मैं इसके अंदर एक वाइटनिंग कैप्सूल डालूँगी, ये इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, मैं यही यूज़ करती हूँ हमेशा, इसमें यूज़ जब मैं करती हूँ ना इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अरहम की चीज़ें सारी अरेंज कर ली हैं क्योंकि अब जा रहे हैं नानों की तरफ, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज नानों की बरसी है, मेरे हस्बैंड की नानों की बरसी है ना आज, तो आज हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो मैंने इसके लिए चीज़ें निकाल रही, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चे जब जाते हैं कहीं भी बाहर तो बच्चों का कितना होता है ना कि उनकी हर चीज़ साथ होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ भी किसी वक्त भी कर सकते हैं। शैम्पर वगैरह निकालनी है, इसका टावल और साथ में लोशन वगैरह, उसका फीचर और दूध मैंने इस डब्बे के अंदर डाल लिया और साथ में चीनी जाती है क्योंकि दूध फिर उसने लाज में पीना होता, और साथ में उसका ड्रेस भी रखने लगी, अगर उसके कपड़े बने हुए होंगे तो फिर उसको चेंज करवा देंगे ना। और साथ में मैंने वाइट वगैरह कुछ ना कुछ रह ही जाता है हमेशा के लिए। और ये देखिए मैंने आज का आउटफिट जो मैंने आज पहनने हैं कपड़े, ये भी आपको अच्छे से ये आज का आउटफिट है, ये आज मैंने कपड़े पहने हैं, मैं पहन के फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। और ये इसके साथ, और ये इसका दुपट्टा, और साथ में इसका ये ट्राउज़र। और अरहम के लिए भी मैंने कपड़े निकाल कर रखे हैं, अभी मैंने उसको भी नहलाना है। खुद तो मैंने नहा लिया, मैं वो अच्छे से फ़्रेश हो चुकी हूँ और मैं अब सोच रही थी कि मैं इसकी चीज़ें साथ साथ रख लूँ ताकि फिर मुझे कोई चीज़ भूल ना जाए और फिर मैं इसकी भी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, मैंने चीज़ें सारी रख ली हैं, बस अब एक चीज़ ही बाकी रह गई है, उस अरहम का गर्म पानी है। वो मैंने एक बोतल में पानी को गर्म करके उसमें डाल लूँगी और साथ ही फिर इसमें वो रख लूँगी। और फ्रेंड्स, ये आज अरहम को मैं ड्रेस बनाऊंगी जो उसकी बुक्को ने इसको बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो मैं इसको नहलाने लगी हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा सा मोटा ही डालती हूँ क्योंकि आपको पता है बच्चा है ना, फिर हवा लग जाती है अपना पूरा। और यहाँ पर मैंने इसके लिए सब कुछ निकाल के रखा था कि इसको मैं जल्दी से नहला के तैयार करूँ। इसके पापा चले गए नहाने के लिए, मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना लूँ, खुद मैंने कर लिया तो अब उनके लिए भी बनाती हूँ साथ साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेटा नहा के आ गया, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेटा नहा के आ गया और इससे पहले कि ये कोई काम दिखाए और मैं इसको जल्दी जल्दी से रेडी कर लूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेटा तैयार हो चुका है क्योंकि वो ना दूसरे ये कपड़े मैंने इसलिए नहीं पहनाए, इसका गला बहुत ज़्यादा तंग था। ये न्यू था ना ड्रेस, मैंने आपको बताया था इसकी बुक को लेकर आई थी, तो उसका ना गला बहुत तंग था तो इसके सर से जा ही नहीं रहा था, नीचे नहीं उतर रहा था, तो फिर मैंने इसको दूसरे कपड़े पहना दिए। तो ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो गया, वो जा रहा पापा के पास कि मुझे पापा बाहर लेके जाएँ, तो ये कपड़े पहन ही नहीं रहा था। बहुत नखरे करता है ये आज का लड़का, इसको जल्दी चीज़ ही नहीं कोई पसंद आती। पापा कहाँ है, पापा कहाँ है? वो बाहर बैठे हुए हैं पापा, जाओ पापा के पास जल्दी से जाओ, मैं चीज़ें उठा लूँ, मेरा बेटा जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और हमको भी मैंने रेडी कर लिया और अरहम के पापा भी रेडी हो चुके हैं और अब हम घर से निकलने लगे। अब जाना है, आपको मैंने बताया ही था कि आज मेरी सास की अम्मी की बरसी है तो आज हम उधर जाएंगे और वहाँ पे कुरान खानी भी है, साथ में सूरह यासीन पढ़नी है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है तो अब हम घर से निकलते हैं। और साथ आज जुम्मा, जैसे कि आपको पता ही है, और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक आज के दिन सब की नेक जायज़ हाजरी मुरादें पूरी करें, आमीन। और सबको सुकून अता फरमाएँ और सबको अच्छी ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएँ, आमीन। और दूसरी बात यह कि अब हम घर से निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं और बाकी काम तो मैंने थोड़े बहुत सारे ख़त्म कर लिए, जो बाकी रह गए हैं वो घर वापस आकर करेंगे। तो चलिए चलते हैं और फिर बाकी की बातें वहाँ पर जाकर करेंगे। चुके हैं नानो के घर और अब मैं अंदर जाऊंगी, सबसे मिलूंगी और अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो भी बनाऊंगी। मिलो चिड़िया काट लेगी, आपको काट लेगी मेरे बेटे को। चलो इधर इधर कितनी प्याली है छोटी छोटी सी, ये काको देखो कितनी प्याली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका नाम क्या? इसका नाम बिनते फातिमा है, इतनी प्यारी है ये तो माशाल्लाह। एक छोटा सा क्लिप बस मैंने बनाया था कि ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, और लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती। और जैसे मैंने आपको बताया ही है कि कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ को नहीं लगता, और कुछ मेरे हस्बैंड भी मुझे मना कर दिया कि नहीं अच्छा नहीं लगता ना, तो क्या पता वो अच्छा समझे या ना समझे, तो आप मत बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ पर बोला तो था सबने क्या बना लो, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि जो बाहर से लोग आए हुए थे तो मैं चाहती कि वो लोग डिस्टर्ब ना हो, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाई। तो जस्ट हम लोगों ने बस कुरान खानी की और पढ़ाई की, उसके बाद दुआ वगैरह मांगी और खाना वगैरह तकसीम किया, खाया और फिर हम घर आ गए। तो अब ये देखें अरहम को साथ लेके गई थी, वो रास्ते में फिर सो गया और सोते सोते ही आया। रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना रश होता है ना रास्ते में, सड़कों पर इतना रश है कि अब डर लगता है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। क्योंकि जहाँ इधर से भी गाड़ी आ रही है, दूसरी साइड से भी गाड़ी आ रही है, कुछ समझ नहीं आती। और फिर रास्ते में ये भी सो गया और अरहम के पापा और ज़्यादा टेंशन में आ गए कि अब इसको मैंने पकड़ा हुआ आगे से और मैं बाइक कैसे चलाऊं। तो खैर घर तो हम कैसे जैसे पहुँच गए, काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि इस वक्त जो लोग काम पर गए होते हैं आपको पता है वो भी घर पर वापस आ रहे होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है ना। और ये काफ़ी मुझे तंग कर रहा था, आना तो हमने लेट ही था थोड़ा सा तो, लेकिन ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था तो इसलिए फिर हम लोग जल्दी आ गए। नहीं तो हम लोगों का प्लान था कि हम लोग रात को आएँ वापस, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ तो फिर इसलिए फिर हम घर आ गए। और ये देखें अब लेट के लगा हुआ है, अम्मी आए, देखो कौन आए, ये देखें। इसने मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पर तंग किया हुआ था ना कि उन सारी कैंडीज़ को चबा चबा के ख़राब किया जा रहा था, वहाँ पे एक मिनट भी सुकून से नहीं था ये लड़का बैठ रहा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अब घर चलते हैं। हस्बैंड मेरे तो बोल रहे थे कि आप रुक जाओ, आप अम्मी के साथ ही आ जाना, तो मैंने कहा नहीं इसने बहुत ज़्यादा तंग करना है। ये देखें इसने दूध पी के कैसे फीडर फेंका है, वो देखें। ये क्या किया आपने, शर्म नहीं आती आपको? मैं आप सबको बता रही हूँ और हम ये और वो फटाफट ना यहाँ पर मेरे साथ आपसे बैठ गए। बुरी बात ऐसे नहीं करा। ये देखिए अरहम कितना गंदा अंदर ले दिया, अरहम डर्टी को आया नहीं है ना, डर्टी को आया, अरहम तो नीरज गुड बॉय है। इसलिए देख लिया वीडियो बनते हुए और साथ ही इसको कुछ होना शुरू हो गया कि आप मेरी तरफ लाओ फोन, मुझे पकड़ाओ, मैं बनाऊँ, चलो आप बनाओ, आप बनाओ, बातें करो, सबको बोल दो हेलो। ये अपनी तरफ से हेलो बोल रहा है। अच्छा चलो बोलो सॉरी, सॉरी बोल दो। ये इसको शर्म आ गई मेरे बेटे को, काका को शर्म आ गई, गंजे बेबी को शर्म आ गई, गंजे बेबी को शर्म। तो फ्रेंड्स मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे मेरी प्रीवियस वीडियो पर जो मैंने जिसपे लिखा था कि मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, तो उस पर मुझे ये कमेंट आए थे कि आप इस तरह से बिल्कुल भी किसी को मत कहें कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे या मुझे सपोर्ट करेंगे, वो आप अपनी मेहनत करें, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते किसी के साथ। तो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। मैं तो जस्ट इतनी सी ही बात कर रही थी आप लोगों के साथ कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट के साथ साथ किया करें, मेरी वीडियोज़ को जरूर देखा करें। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी ये बात कहने से या करने से किसी के ऊपर कोई गलत इंप्रेशन पड़ता है, तो बाकी जो मैंने लिखा वो आप लोग वीडियो देखने को नहीं दिल जाएगा तो आप लोग नहीं देखेंगे। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट ही करती होती हूँ मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें। तो बाकी काम शाम तो ख़त्म हो चुके थे, मैंने बस इतनी ही आप लोगों के साथ बात करनी थी और मुझे किसी से कोई भी नहीं गिला शिकवा कि आप लोग इस तरह से क्यों कमेंट करते हैं। तो बाकी तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग अच्छे से बना कर लेकर आऊँ और आप लोगों को एंटरटेन किया करूँ और आप लोग मेरे व्लॉग खुश होकर देखें। और चले मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।